अगर आपके पास Redmi Note Pro डिवाइस है तो आप उसको MIUI 12 में अपडेट कैसे कर सकते हैं। आप अपडेट करना चाहते हैं बीटा में या स्टेबल में, आप दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर आप स्टेबल में करना चाहते हैं तो स्टेबल में कर सकते हैं, अगर आप बीटा में अपडेट करना चाहते हैं तो बीटा में कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Redmi Note 5 Pro में MIUI 12 को अपडेट आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कैसे कर सकते हैं। मैं आपको इसमें दोनों तरीका बताने वाला हूं कि आप इसमें MIUI 12 को अपडेट कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। अगर अभी तक आपको अपने Redmi Note 5 Pro में आपको MIUI 12 का अपडेट नहीं मिला है, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं MIUI 12 को अपडेट कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। अगर आज की वीडियो आप सभी लोग अपने मोबाइल फ़ोन में पूरा देख लेते हैं तो आप 100% आप अपने Redmi Note 5 Pro में MIUI 12 को अपडेट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं बीटा में भी अपडेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बीटा में, तो आप बीटा में अपडेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं स्टेबल में, तो आप स्टेबल में अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसके बाद करना है चैनल को सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करके आपको चैनल का सपोर्ट कर देना है। उसके बाद आपको बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, जैसे आपको मेरे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं YouTube पर, आपको एक नोटिफिकेशन भेज सके। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपका कौन सा डिवाइस है। अभी तक आपको MIUI 12 का अपडेट किस डिवाइस में नहीं मिला है, तो मैं आपको उसके लिए एक दूसरी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको इस अपडेट के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर पर आपको चले जाना है। गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे सर्च बार में। आपको सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप कर देना है MIUI Rex, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारी सेटिंग मिलती हैं जो कि आपको करना ज़रूरी है। उसमें क्या करना, आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन का आपको प्राइवेसी पॉलिसी आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा एग्री, आपको एग्री पे क्लिक कर देना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा आप बीटा में करना चाहते हैं या स्टेबल में। अगर आप स्टेबल में करना चाहते हो तो स्टेबल पर क्लिक करेंगे। अगर आप बीटा में अपडेट करना चाहते हो तो बीटा पे आप क्लिक करेंगे। आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट दिखता है, आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है। सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। आपको यहाँ पे दिखेगा Redmi Note 5 Pro, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा फिर से आप बीटा रोम डाउनलोड करना चाहते हैं या स्टेबल में। अगर आपको पसंद है बीटा में अपडेट करना तो आप बीटा पे क्लिक करना। अगर आप चाहते हैं स्टेबल में अपडेट करना तो आप स्टेबल पे क्लिक करना। तो चलिए आपको दोनों बता देते हैं। बीटा आप ये देख सकते हैं, बीटा रोम है। आपको यहाँ पे बीटा रोम की यहाँ पे लिस्ट दी जाती है। आपको सबसे लेटेस्ट वर्जन आप यहाँ पे दे सकते हैं, सबसे लेटेस्ट वर्जन। तो आपको बैक पे क्लिक करना है क्योंकि मुझे स्टेबल में अपडेट करना है, बीटा में अपडेट नहीं करना है। तो बीटा में अपडेट करने के लिए सेम प्रोसेस दोनों के लिए एक ही है, आपको स्टेबल पे क्लिक करना है। आपको इस तरह अपडेट दिख जाएगा, आपको यहाँ पे सबसे लेटेस्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद पूछेगा आपको कॉपी लिंक ओपन ब्राउजर, तो आपको कॉपी लिंक नहीं करना है, आपको सिर्फ ओपन ब्राउजर पे क्लिक करना है। ओपन ब्राउजर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को सिलेक्ट करना है। आपको थोड़ी देर वेट करना है। आपको इस तरह क्रोम ब्राउजर में Redmi Note 5 Pro का रोम डाउनलोड आपके मोबाइल फ़ोन में हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा अबाउट फ़ोन, आपको अबाउट फ़ोन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा MIUI वर्जन, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा दिखेगा थ्री डॉट, आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको चूज पैकेज पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पे वेट करने के बाद आपको डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है।
यहाँ पे आपको इस तरह आपको यहाँ पे दिखेगा रोम, आपको रोम पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने में आपको यहाँ पे ओके दिखेगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। आपका रेडमी नोट 5 प्रो डिवाइस MIUI 12 में अपडेट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।